नमस्कार, मैं आप सभी के साथ हूं राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर वन एंड लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव, आपका समय एवं आपकी खबर। हमारे बीच बहुमूल्य समय निकालकर उपस्थित हो चुके हैं जलपाईगुड़ी के भाजपा सांसद डॉक्टर जयंत राय। सबसे पहले इनका हार्दिक धन्यवाद कि अपने बहुमूल्य शेड्यूल में से समय निकाल करके एसके लाइव को विशेष तौर पर थोड़ा समय दिए हैं। तो इनका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप एज एमपी जलपाईगुड़ी के लोगों द्वारा जब आप चुने गए तो पहला आपको अनुभव कैसा लगा, जब आप पहली बार विजयी हुए जलपाईगुड़ी की पूरी इंटायर जनता के आशीर्वाद से, आपको कैसा लगा सर? मैं तो पहले मेडिकल कॉलेज में था और फिर डॉक्टर था, वहाँ पर पढ़ा रहा था, टीचर था उधर। अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बाद मेरा ऐसा लगा कि ये आप मेरे ऊपर एक इतना आदमी मेरा ऊपर विश्वास करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दिया। अभी कुछ यही सबसे बड़ा काम है कि यहाँ का हमारा इंटायर नॉर्थ बंगाल और माय कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है जलपाईगुड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसका जो जितना हमारा जो लोग हैं इनका सपना पूरा करना, यही मेरा फर्स्ट पहला कर्तव्य है, यही मैं सोच रहा था। सांसद आप जलपाईगुड़ी के हैं, तो सबसे पहला काम आप जलपाईगुड़ी वासियों के लिए क्या करना चाहेंगे? पहले तो मैं अब जन आप शायद आपको पता होगा, मैंने ये जलपाईगुड़ी के लिए ये एक हॉस्पिटल बनना चाहता था, एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन चाहिए था, क्योंकि खाली ये जलपाईगुड़ी के लिए नहीं, ये इंटायर नॉर्थ बंगाल के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं जानते, लेकिन ये हमारा नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में जो 145 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जिससे ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, उसका काम कुछ दिन तक बंद था। अभी मैं आने के बाद इसको मैं मिनिस्ट्री से बातचीत हुआ, फिर इसके पर काम शुरू हो रहा है, और ये मेरा सक्सेस होगा, मैं सक्सेसफुल होगा होने का चांस है मेरा, क्योंकि ये एक से डेढ़ साल के अंदर ये चालू हो जाएगा, ऐसे ही मेरा एक्सपेक्टेशन है। सर, आप एक पेशे से डॉक्टर रह चुके हैं और आप सेवा में आए हुए हैं राजनीति के माध्यम से, तो राज्य सरकार हर बार ये आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार मेडिकल से जुड़े सुविधाओं में सहयोग नहीं करती है, क्या सच में आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये बात कैसा है, ये बात सच है कि नहीं आप खुद ही जानता है, क्योंकि आयुष्मान भारत जैसा प्रकल्प, जैसा प्रोजेक्ट जो 10 करोड़ परिवार के लिए और 50 करोड़ जो हमारा जो पीपल है उनके लिए, गरीब जो है हमारा, उनके गरीब भाइयों के लिए जो है, भाई बहनों के लिए, वो तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने नहीं देता है। तो आप ही सोचिए कौन हेल्थ के लिए सोचता है, कौन नहीं सोचता है, क्योंकि ये प्रकल्प होने से, ये जो प्रोजेक्ट होने से, ये इनका पाँच लाख रुपया तक जो चिकित्सा बीमा का सुजोग मिल रहा था, वो दूसरा स्टेट में है, अभी हमारा स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हमारा यहाँ जितना आदमी, पर्टिकुलरली जो गरीब आदमी है, उनके लिए तो बहुत असुविधा का बात है ना। सर, एक समस्या ये आती है कि चूंकि ये बंगाल है और इसमें राज्य सरकार तृणमूल की है, तो भाजपा सांसदों को, अब आप दार्जिलिंग के ही सांसद को देख लीजिए, इससे पहले SS अहलुवालिया जी थे, वे एक हाथी के सा ग्राम पंचायत को गोद भी लिए थे, तो जब उनसे काम के विषय में पूछा गया कि आप हाथी के सा ग्राम पंचायत में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार आ रही है। अब आप एज ए सांसद जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर कुछ करना चाहेंगे तो राज्य सरकार फिर से आड़े आएगी, तमाम तरह की अड़चने डालेंगी, तो इन अड़चनों को दूर करने के लिए और जलपाईगुड़ी के हित में काम करने के लिए आप क्या करेंगे सर? देखिए, मेरा एक पता हुआ कि एक दिशा कमेटी है, जो प्राइम मिनिस्टर का जो हमारा केंद्रीय सरकार का जो प्रोजेक्ट्स है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, वो दिशा कमेटी काम करेगा। ये दिशा कमेटी का चेयरमैन है MP, चेयरमैन होने के नाते, वो MP होने के नाते, ये मैं तो ये बोल सकता हूँ कि मेरा ये कोशिश रहेगा कि
मैं इस काम को कैसे किया जाता है, और मैं ये डीएम साहब जो एसपी ये लोकल अथॉरिटी है उसका साथ सहयोग करने के लिए प्रस्तुत हूँ, वो भी सहयोग करने से ये तो जरूर होगा। मेरा इच्छा, मेरा ये, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो शायद हमको ये उसको वो करेगा, हमको हेल्प करेगा और ये करना होगा। भाजपा बंगाल में उत्तर बंगाल के रास्ते धीरे धीरे प्रवेश कर रही है, क्या लगता है नवान तक पहुँचेगी? अब बोल रहा है कि धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। आप देखिए सभी तो अलीपुरद्वार से लेकर ये मालदा तक आप देखिए 8 में से 7 सिटी तो हमको मिल गया, तो प्रवेश क्यों कर रहा है? वो तो प्रवेश कर गया, पहले से ही प्रवेश हो गया उसका। और जो एक सीट आप देखिए मालदा में किया, कितना वोट में वो जीता, आप तो देखिए माइनर मैंने वो भी बहुत बहुत कष्ट मैंने बहुत तकलीफ मैंने क्या बोलते हैं हिंदी में कष्ट मैंने बंगाली में जो इट वॉज डिफिकल्ट रैंक कर जीता है ना। सो अब ये मान लीजिए कि नॉर्थ बंगाल का पीपल भाजपा के साथ है रहेंगे और 2021 में ये आउट साफ हो जाएगा। आज का आपका विशेष कार्यक्रम, हर मोहल्ले हर कार्यक्रम में आप शिरकत कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य? देखिए पहले तो मेरा उद्देश्य था कि सदस्यता अभियान करने के लिए, वो भी खत्म हो गया। अभी हम यह हमारा डिस्ट्रिक्ट में सदस्य के साथ मिलना दैट मीन्स संपर्क अभियान, अभी महासंपर्क अभियान हम कर रहा है। ये जैसे कि हमारा जितना जो हमारा कर्मी है, जितना जो हमारा सपोर्टर है, उनके पास हम जा रहे हैं, सभी के साथ जितना हो सके वहीं पर हम जा रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहा है, उनका साथ ये शेयर कर रहा है, उनका जो एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस वो हम शेयर कर रहे हैं। अभी ममता के बोलो यानी दीदी के बोलो कार्यक्रम चल रहा है, आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी आजकल चाय बना करके लोगों को पिला रही हैं, ये क्या है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। जिसके अब ममता जी को, दीदी को, हमारा माननीय चीफ मिनिस्टर है उसको इस मैंने जो पोजीशन है उसको तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, फिर भी उनको उनके लिए तो सभी के लिए मेरा ये है, ये सोचना है कि जिसका उसका मंत्री ने उसका उनके साथ बात भी करने नहीं सकता है, उसका जो मंत्री है, उसका जो सपोर्टर्स है, वो भी बात नहीं कर सकता है उनके साथ, वो तो इतना डांटती है कि सामने भी जाना तो मुश्किल है। तो आप मानते हैं कि ये दीदी के बोलो कार्यक्रम सफल होगा? वो ये तो पहले से ही डर गया, हमारा जो वेस्ट बंगाल जो वासी हुआ है वो तो पहले से ही उनका डांटती है, तो कैसे ये दीदी को बोलो ये से बोल सकता है या कहाँ जो हमारा आम आदमी। और ये चाय बना करके जो लोगों को पिला रही हैं ममता दीदी, इस पर क्या कहना है? वो मोदी जी जैसा होना चाहते हैं, क्योंकि मैं मोदी जी पहले चाय बनाता था, अभी प्राइम मिनिस्टर हो गया, अभी उन्होंने सोचा कि ये चाय बनाने से शायद वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सके। तो अंतिम बात सर, एसके लाइव के सभी दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सभी दर्शकों का यही बताना चाहते हैं मैं कि आपका हेल्थ का ख्याल रखिएगा, आप हमारा इधर जो ड्रिंक जो क्या बोले नशा द्रव्यों का बहुत प्रयोग हो रहा है, हमारा बच्चा बीमारी भी ये सब लेता है, उसके ये लेना नहीं चाहिए। ये सभी को ये जो सोचना है ये सभी को पहुँचाना है हमको। और जैसे कि हमारा इधर ऐसे डिफरेंट डिजीजेस होता है, ये इसको ना हो सके और अच्छा बढ़िया स्वास्थ्य हो सकता है इससे नहीं लेने से ये सब निशालु द्रव्य। और उनका सभी को शुभकामना करते हुए मैं सभी को ये हमारा इंडिया को, हमारा नेशन को, ए वन नेशन को इतना जब पहुँचाने के लिए सब सहयोग करे कि हम इंडिया को सबसे अच्छा कंट्री में हम ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा हमारे बीच उपस्थित रहे जलपाईगुड़ी के सांसद डॉक्टर जयंत राय, तो इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर एसके लाइव को कुछ समय दिए, इसके लिए एसके लाइव की ओर से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। आशा करता हूँ कि आप सभी दर्शक
माननीय सांसद को एक बार फिर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जरूर देख पाएंगे। इसी प्रकार की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। हैत्री की हवा से अब उड़ जाएंगी ये छतरियाँ। इसके अल्ट्रा स्मार्ट हब में है 400 से भी ज्यादा HD चैनल्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, क्रोमकास्ट, गूगल वॉइस असिस्ट और ढेर सारे ऐप्स। हैथवे, बदल गया है गेम। छतरियाँ गिरती है, रंगे बदलती है, उड़ती संभलती कैसे टहलती है, गलियों से मुड़ती छतों से फिसलती है, रस्तों पे खोई जाने कहाँ। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ। सपना जुन चाहिँ रंगहरूमा देखिन्छ, रंग जुन चाहिँ दीवारमा खेल्छ, कदमको हर आहटमा खुशी देखिन्छ, उम्मेदमा हिता सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरती देखि आकाश सम्म रंग हो PIS को। PIS पशुपति इन्फ्रा एन्ड सप्लायर्स, एक्सक्लुसिव स्टोर फर प्रिमियम फ्लोरिङ एन्ड वाल टेक्सचर। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे। PIS द प्लानेट मॉल, सेकेन्ड फ्लोर नियर कॉस्मोस मॉल, अपोजिट नॉर्थ सिटी, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 9733341141। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811।